हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि काइन मास्टर से हाथ से लिखने वाला वीडियो कैसे बनाएं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये काइन मास्टर खोला हमने, क्रिएट न्यू पे गए, 16.9 पे ओपन करा इसको। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद इमेज असिस्ट में जाएंगे, यहाँ से हम वाइट बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। ये हम देखो स्क्रीन पर आ गया है वाइट बैकग्राउंड, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर से फर्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ से फिर लेयर पे जाएंगे और टैक्स पे जाएंगे, यहाँ से टाइप करेंगे जो आपको लिखना है, चैनल का नाम लिखना है आपको, चाहे कुछ भी लिखना हो। अब अपना यहाँ से कीबोर्ड है, यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं वेलकम टू माय चैनल, या आप लिख दें वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जो भी लिखना हो आपको तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप चाहे तो चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। ये हम टाइप करेंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ से ये कलर चेंज करेंगे पहले, क्योंकि वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा है आपको। जो सकते सारे कलर हैं इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो भी कलर लेना है आपको आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से रॉयल ब्लू कलर लिया है। यहाँ थोड़ा फिंगर से अपने ऊपर करके ले जाएंगे, फिर यहाँ से फॉन्ट, इतने सारे फॉन्ट हैं, आप जो सा फॉन्ट आपको पसंद है वो फॉन्ट ले लें। ये हमने फॉन्ट लिया है, देखेंगे पहले से ये मोटा हो गया है थोड़ा साइज़ इसको, और स्क्रीन बड़ा है और राइटिंग छोटी है, थोड़ा और इसको बड़ा कर लें अपने हिसाब से। फिर यहाँ से हम जाएंगे वाइप राइट पे, ये देखिए वाइप राइट पे गए हम, तो ये ऐसे लिख कर आ रहा है। तो यहीं से आप इसकी स्पीड जो है 1.5 कर लें या 2 कर लें या 2.5 कर लें अपने हिसाब से, ऐसे धीरे धीरे ये लिख कर जाए। आप देख सकते हैं पहले से ये स्पीड इसकी कम हो जाएगी। ये प्ले करते हैं इसको, ये देखिए आराम आराम से लिख कर आ रहा है ये। अब यहाँ पे एल है, यहाँ पे रोक लें वीडियो को और फिर से लेयर पे जाएं। एल के पास हमने रोका है, फिर से लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद टैक्स पे जाएंगे, टैक्स पे जाने के बाद आपको जो टाइप करना है जैसे हम लिखेंगे काइन मास्टर, ये हम टाइप कर रहे हैं काइन मास्टर। फिर से ये वाइट पर वाइट दिख नहीं रहा है तो यहाँ से वाइट कलर चेंज करेंगे, जो भी कलर लेना है। ये ब्लैक लिया है हमने, इसको ऐसा बड़ा करेंगे और जहाँ पर रखना है आपको साइड में सेंटर में, यहाँ से फॉन्ट लेंगे आप जो आपको पसंद हो। हमने फिर से वही फॉन्ट लिया है, देख सकते हैं ये बहुत मोटा दिख रहा है पहले से। और इसको फिर से इन एनिमेशन में जाएंगे, इन एनिमेशन में जाने के बाद वाइप राइट पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको हर वीडियो में मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा आप लोग के लिए। इसकी स्पीड भी पहले जितनी कर देनी है 2.0, ताकि सेम दोनों चले, कोई आगे कोई पीछे ना हो। देख सकते हैं कितने आराम से आ रहा है। फिर इसको आर के पास रोक देनी है वीडियो को, रोकने के बाद फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद टैक्स पे टाइप करना है और फिर से जो भी लिखना है आपको, चैनल का नाम, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब। जो नए भाई होंगे, नए सब्सक्राइबर होंगे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, इसलिए मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमने सिंपली टाइप कर दिया है सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, यहाँ ओके करेंगे। फिर वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा ना, तो इसको फिर से आप कलर चेंज करेंगे। यहाँ से आप रेड कलर चूज़ कर लिया हमने, आप चाहें तो कोई और भी कलर ले सकते हैं, येलो है, ग्रीन है, कोई से भी। हमने इसको नीचे लाया है, अभी नीचे लाने के बाद इसे फ़ॉन्ट पे जाएंगे। फ़ॉन्ट कोई सा भी आप ले लें, कोई सा भी ले, एक ही फ़ॉन्ट लें जो तीनों में या चार में जितनी भी राइटिंग हो सब में एक जैसा दिखे। यहाँ से फ़ॉन्ट लेने के बाद देख सकते हैं ऊपर और नीचे की राइटिंग दोनों सेम जैसी लग रही है, अब बीच वाली थोड़ी मोटी लग रही है। इन एनिमेशन में जाएंगे, इन एनिमेशन में जाने के बाद वाइप राइट पे जाएंगे, क्योंकि राइट से लिख कर लेफ्ट में आ रहा है ये, तो वाइप राइट पे आएंगे। देख सकते हैं कितनी स्पीड में आ रहा है। तो फिर यहाँ से आपने टू लिया है इसकी स्पीड, एक बार चला के वीडियो को देख सकते हैं आप आराम आराम से कि कहीं आगे पीछे राइटिंग नहीं है, कहीं स्पीड तो कम ज़्यादा नहीं है। फिर से हम स्टार्ट करेंगे इसे, देख सकते हैं आप कितने आराम आराम से लिख कर आ रहा है। अब यहाँ पे हम PNG लगाएंगे, हाथ से लिखने वाली वीडियो जो है उसमें PNG लगाएंगे। PNG आप चाहे तो क्रोम से लोड कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी आप लोड कर लें PNG। यहाँ पे PNG का फिर हम लगाएंगे, फिर उसकी सेटिंग करेंगे, कहाँ से कहाँ लगाएंगे वो मैं बताऊँगा अभी आपको। पहले इसे चला के अच्छे तरीके से देख ले रहे हैं कि हाँ ये सही बैठा है नहीं बैठा है। देखिए हमने वीडियो में W के पास इसे रोक लिया है, फिर से हम गए अपने इमेज असिस्ट में, यहाँ से हमने डाउनलोड जो किया है वो डाउनलोड यहाँ पर है। ये हमने ऐसा PNG लोड किया था गूगल क्रोम से। किसी भाई को चाहिए तो कमेंट्स करेंगे, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
अभी PNG जो है, जो भी आपने लिखा है उसके राइटिंग के फर्स्ट में इसे ले जाएंगे। ये फ्लोटिंग जो है, मतलब ये ऊपर नीचे लिखता है, इसको फ्लोटिंग कहते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये जैसे कोई बंदा लिख रहा हो ऐसा कर रहा है। फ्लोटिंग करने के बाद इसे आप W के पास ले जाएंगे। ये चाबी की जो है चाबी, वहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ से लेकर आए हैं इसको। हमने फिर सीधा सीधा W के पास रखा और आगे की ओर इसे ले जाएंगे। हम देख सकते हैं थोड़ा मुश्किल है वीडियो में, पर आप दो बार तीन बार वीडियो को देख देख के आप बना सकते हैं। अब यहाँ से वीडियो को थोड़ा प्ले कर देंगे। प्ले करने के बाद ये चैनल है, यहाँ पे फिर ला के रोकेंगे इसे। अब नीचे देख सकते हैं वीडियो में ये डॉट सा बनकर आ रहा है, यहाँ ला के रोक दिया हमने। फिर वीडियो को प्ले करेंगे। जैसे ये काइन है तो के पास लाना है फिर से PNG को। देखिए इस तरीके से आप के पास ला के हम रोक देंगे इसे। फर्स्ट राइटिंग और लास्ट राइटिंग में ला के ये PNG को रोकना है आपको। देख सकते हैं आप इस तरीके से ला के आर के पास हमने रोका है। फिर वीडियो को हमने प्ले करा, देख सकते हैं ये राइटिंग दो आगे और पीछे तो नहीं हो रही है। फिर से हमने प्ले कर दिया इस वीडियो को, ताकि नीचे के वीडियो जो नीचे की राइटिंग है वो प्ले करके हम देख सकें। ये देखें आप, प्ले करके एस यू आया है, तो एस के पास हमने फिर से ला के इसे रोक दिया है। और वीडियो को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाएंगे, जो सब्सक्राइब का लास्ट में जो है यूट्यूब चैनल लास्ट में एल के पास ऐसे लेके आएंगे। हाँ, तो उसे अपने उंगली की मदद से यहाँ ला कर रोकेंगे एल के पास। फिर इसे जो है हम हाथ का PNG को थोड़ा नीचे को साइड में दबा देंगे इस तरीके से, और फिर से हम इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही से ये लिखकर आ रहा है। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, चाहे आप कोई सा भी नाम लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, चाहे कोई से भी आप PNG लें, आप गूगल क्रोम से PNG लोड कर सकते हैं। यहाँ से लिखने वाले वीडियो ये, यहाँ से आप वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। सेव एज वीडियो आप सेव कर सकते हैं। आपकी वीडियो बनकर तैयार हो गई है।